वो कौन है? हेलो हेलो, बहुत 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 बढ़िया है, जाओ इधर दिखाओ बस। ये जी मैं शादी पर गया हुआ था तो बैल मेरा घर था, तो बैल घर लगा हुआ था तो वीडियो नहीं बना सका, तो मैं वैसे ही बारात आने वाली है तो कार कर ली है, तो बात दूर रहेगी। मैं खाना खाया था दोपहर को, तो अभी शाम का खाना खाना। फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं, तो ये देखिए घर पहुंच चुके हैं, तो जैसा ही बताया था। तो अब चलते हैं अब्बू की तरफ, तो अब्बू को पूछते हैं तो क्या मामला है, तो इसको पूछ के फिर देखिए। ये सिलेंडर मुक चुका है तो अब इसको खोलते हैं, तो खोल के फिर भरा के फिर खाना बनाते हैं। ये गैस खुला दिया है, ये देखें गैस है, तो ये सका मोटर, तब चलते हैं भराते हैं फिर आपको दिखाते हैं। हम पहुँच गए दुकान पर, तो इसको ले कर जाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तबीयत शबीयत? 2 किलो ये दिया अब बढ़ रहा है गैस, भाईजान लगा रहा है, इसका लगेगा तो फिर ये करना चालू करेंगे, फिर चालू कर गेंद भर चुका है, तब इसको लेके जाएंगे तो यहाँ पे टंग देंगे तो फिर चलते हैं। ये है गैस, तो ये है दाल मसाला तो ले लिया, तो गेंद भरा लिया, ये भी ले लिया, तब चलते हैं अम्मी की तरफ, तो अम्मी को देख के फिर हमारा ब्लॉग आएगा कल आएगा 1 बजे, तो इसलिए 8 बजे नहीं आएगा। तो आज एक वीडियो डाली सब चलती पी है, तो चलिए हम घर पहुंच चुके हैं, तो इसको जोड़ते हैं, जोड़ के फिर टाइम होगा तो फिर दिखाएंगे, ना तो फिर सुबह को इंशाल्लाह मिलेंगे। ठीक हो गया, ओके। उठाया, हाथ में धोया, हाथ में धो के तो मैं जा रहा हूँ धूल लेने, तो धूल लेते हैं, तो फिर धूल लेके फिर वॉशिंग घर कर देंगे। तो जो बीमार है अल्लाह ताला से दुआ दे, तो किसी औलाद नहीं अल्लाह ताला से औलाद दे, तो हमारे चैनल को कैप किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। तो चलते हैं टू लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। जी देखिए ये दूर ले आया हूँ, तो नाल बिस्कुट है, तो ये दूर लेते हैं, कुछ बिस्कुट खाना है तो हमारे से खा सकता है, सुबह सुबह का टाइम है तो नाश्ता हम पका रही है फिर खाएंगे। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैसे हैं तमाम दोस्त बहन भाई? ठीक ठाक हैं, खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं, और उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। तो ये मैं हूँ और ये नंबरदार हूँ। नंबरदार कहते हैं मुस्कुराया करो, अपनी वीडियो है आपकी, अपनी वीडियो है, हंसते क्यों नहीं, क्या बात है? हंसते हैं हर वीडियो में, अभी तो नहीं हंस रहे हैं, अभी हंस रहे हैं, इधर देख के हंसते हैं, ऐसे करते हैं, अपनी वीडियो है तुम्हारी, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं प्रॉब्लम है। सुनाओ सुनाओ, कोई जोक सुना दो, कोई मजाक सुना दो बहन भाइयों को, कोई बात नहीं, मजाक आती नहीं आती नहीं है ये नंबरदार इतना इनोसेंट है कि उसको मजाक भी नहीं आता। वो जैसा भी है ठीक है, देखो यार कौन है। ये यार बड़े कमाल बंदा अंदर चला है डायरेक्ट, बात है यार बड़ी बात है, न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान बड़े आमदी बात है, मामा बड़े जा, मुंशी तिड़ा है खेसियां
भूल गई, इतना शक्ल बदल गया यार तुम्हारी। 12 साल थी जन बात आया, शक्ल देखता सही के मुछा बनी। 12 साल बाद की मैं पर यताश क्या नहीं। अच्छा 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 2010 के सिलाब में जो बह गया था और मिला नहीं था। जी हाँ जी हाँ, वही हो, वही तो है मुंशी तिल्ला। वो मेरा मुंशी, वो सदके सदके यार, पहले बताते यार तुम। वाह, तो बताया तो सही, बड़ा परेशान कर रहा। अभी डंडा तुम्हें लग जाता तो जख्मी हो जाते, इसका सर पार फोड़ा जाता तो फिर क्या करते। ये बात भी सही है, ठीक हो फेट हो तो यार क्यों। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह बात है। अच्छा इसकी अभी आ रहे हो क्या घर। जी अभी आ रहा हूँ। तो इसका ना कुछ नाश्ता पानी तैयार करें। जी खाना पानी इसको दें, फिर से बात करते हैं। ठीक है, ये तो वही मुंशी है अपना, मुंशी तिल्ला। हाँ ये तो बहुत बड़ा हो गया है, ये देखें इसके मुंह पे बड़ी बड़ी मूंछें भी आ चुकी हैं। 12 साल गुजर चुके हैं, 2010 में बह गया था। हाँ हमने सोचा ये गुम हो गया, इसकी जिंदगी खत्म हो गया, हमें क्या पता। अल्लाह पाक इसको महफूज रखा। अच्छा बेटा ऐसी बात मेरे साथ बात करो, आपको हमारे घर का पता किसने दिया, आपने कैसे ढूंढा। डॉक्टर ने। हाँ वो तो रबते में रहता था ना। तो कब से वहाँ से अलीपुर से हम तो यहाँ पर आ चुके थे, तुम तो वहीं पे गुम हो चुके थे। वो क्या क्या शहर है अपना, क्या बोलते हैं। हाँ जतोई शहर, जिला मुजफ्फरगढ़ में। ये जो है अपना बह गया था और लहर थी इसकी जलालपुर पीर वाले की साइड पे, दरिया चनाब में, चनाब के जरिए किया है, वहाँ से पानी जो निकला ना चनाब में, तो हमने कभी ये दरिया बर्द हो गया। नहीं 2 साल तो उधर लाए, 8 साल 9 साल इधर हो गए, 12 साल हो गए, 12 साल बाद में आए। मैंने सुन तुझे सुना यार, उस वक्त ये मूछें चूछें आपकी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो छोड़े उम्र भी बहुत कम थी ना। ये जी मेरा बड़ी बड़ी जो सिस्टर है, बहुत बड़ी बड़ी सिस्टर है, उसका जो है ये जवां साल सबसे बड़ा बेटा जो है मेरा भांजा है, इसको मैं प्यार से छोटे दौर में जब वहाँ अलीपुर के इलाके में थे तो वहाँ पर इसको मैं मुंशी तिड्डा खेसने वाला कहता था। तो ये बहुत वही है, उसने याद दिलाई है मुझे, तो याद आ गई है। तो बैठ गए, मैं भी इसके साथ बैठता हूँ। तो नंबरदार जाओ यार, कोई बोतल छोटा ले आओ। हाँ जी ले आता है। तो कोई ठंडा पानी हो तो पिला दो, ठंडा पानी पहले पिला दें। हाँ जी, फिर जाके फिर बोतल ले आए, फिर वो फ्रिज में रखें, फिर उनको पिलाएंगे। ठीक हो मामू, बैठ जाते हैं हम गप शप लगे थे। ये ले जी पानी। पानी पिए फिर मैं बोतल लेके आता हूँ। वाह मुंशी वाह, वाह मामू वाह, 12 साल बाद यार मिले हो। वाह मामू वाह, बड़ी खुशी है यार। मैं तो तुमको सुनाने के लिए तो सारी मदद करते हैं यार, जो तुम्हारे पास लोग किया। वैसे ही ना पानी पिया, पहचाना नहीं हमने, पहचान लेते तो कोई बात नहीं, तो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं बने हो जाए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, बच्चे भी सब ठीक ठाक हैं। तो आज जो है बहुत खुशी की बात है, जो हमारा जो भांजा गुम हो चुका था आज 12 साल बाद हमें मिल गया है, वो भी हमारे घर में पहुंच चुका है। तो अभी जो है मैं उसके लिए बोतल मंगाया है, पहले बोतल पिलाएंगे, तो फिर जो है ना नाश्ते पानी का बंदोबस्त वो भी करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं बोतल डाल लूँ। चलो बेटा ये उठाओ और बाहर देख के आओ। ये जी हम पहुंच गए हैं। ये ले जी, लो आमिर मुंशी, इसका नाम जी असल में मोहम्मद आमिर है, वल्द मोहम्मद शफी साहब। तो ये मैं इसको बड़ा छोटा सा था, इसको मुंशी बुलाता था, मुंशी सीधा खेसने वाला, जब इतनी मूछे नहीं थी, अब तो बड़ी बड़ी मूछे रख ली यार आपने। आखिर 12 साल हो गए, 12 साल हो गए। ये यार बहुत बहुत बड़ी खुशी की बात है यार, 12 साल के बाद आप वापस आए हो, इंतहा की खुशी है। जारे की खिदमत वालों टाइट करनी है, 12 साल बाद ये बंदा मिला है हमें, 2010 के सिलाब में ना बह गया था, जब तुम भी बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे तुम। तो इसकी उम्र थी तकरीबन 6 साल, इसकी उम्र 6 साल थी, तुम्हारी उम्र में 9-10 साल, 12 साल, 22 चल रहा थे ना, 10-11 साल मेरी होती है, उतने महीने। तो फिर पहचानने में गलती हुई ना हमसे,
आपने पहले तारुफ कराना था ना, तो ये बात ना आती है। तो मैं जरा आया मैं था कि मामू तो घर इवें दसने जो निशाना दिते ने, मैं कि हाँ जी वो छे निशाना पक्के ना, मैं क्या पता जरा मामू हम ब्लॉग अपना शुरू कर रहे थे, नंबरदार कर बातें कर रहा था, तो मैं खड़काया है, मैं चल चेक करो यार, मैं कौन मेरे कौन, मैं तो मुंशी हूँ, मैं कौन रोक सकता है। वो पुरानी गल है, पुरानी बात पे आपने बोले हैं ना, तो वो तो घर भी उधर था, सब कुछ उधर था, अभी तो हर चीज़ चेंज है। हम भी तो 2010 में तुम गुम हुए सैलाब में, हाँ तो 2002 साल बाद हम यहाँ पे आ गए, 2 साल बाद तो सही था, 12 साल बाद मैं आया हूँ, मेरे को निशाना है भाई मेरे दिता डॉक्टर। चलो यार बहुत खुशी है कि आप जो है सही सलामत है माशाल्लाह, बड़ी खुशखबरी सुना दिया। हमारा जो बच्चा गुम हो चुका था ना, हम तो इसको बहुत अरसे से भूल चुके थे, तो अभी जो है हमारे पास आ चुका है, हमें बहुत खुशी हुई है। तो हाँ बेटा सुनाए, कैसी है तबीयत? ठीक अल्लाह की रहमत है। सफर कैसा गुजरा? मर्दार से बड़ा है छोटा है? ये बड़ा है मर्दार से। हाँ तो काफ़ी बड़ा है, तो आपकी जो ज़िंदगी ये रुली फिरी हुई थी ये कैसी गुजरी है? चंगी अच्छी गुजरी है। अच्छी गुजरी है, चलो ठीक है। आपको हमारी याद तो आई ना, हम तो जब से आप गुम हुए थे ना, हम वो शहर भी छोड़ दिया था, हमारा मुंशी यहाँ पर नहीं। 2 साल बाद हमने ना वहाँ से इधर हम शिफ्ट हो गए। हाँ तो 2 साल में तो हम भूल ही चुके थे कि कोई हमारा मुंशी भी था, मतलब है कि एक गुम हुआ हम संजय को पता ना चला गया। बहुत आपको ढूंढा, बहुत ज़्यादा ढूंढा है, जितनी हमसे हो सका ना। आगे भी गए हैं, शुजाबाद भी गए हैं, वो दूसरा जलालपुर पीर वाले तक भी हम गए हैं, वहाँ पे जो वो जाम मदरास कहते हैं वहाँ पर भी गए, नहीं मिले। और जिंदगी खड़ी हुई अल्लाह से बचाई तो अच्छी बात है। सब जो जिंदगी आया था जो तुम्हें बजा के लेके अपने घर ले गया होगा, कौन था? बस चनाह दे पा रही थी, बलोच है, वह चनाह दे पा रही है। हाँ बलोच था, बलोच था, सभी बलोच थे, वही बलोच, बलोच बलोच का साथ देते हैं ना। किस तरह इसे नजर पड़ी होगी, किसी बेहोश हुआ पड़ा होगा तो वो उठा के ले गया, पता किस हालत में ये पड़ा होगा, यादी भारत साइड से। अच्छा अच्छा, बस जिंदगी खड़ी थी तो कह रहा है कि मैं दरिया के जो है साइड पे किनारे पे जो आ लगा था वहाँ पे भी होश पड़ा था, तो मुझे होश आया जब वो घर लेके पहुँचा और दवाई वगैरह जी, तो बहुत खुशी हुई मुंशी यार, तो हमारी डबल खुशी हो गई है, डबल से ट्रिपल ट्रिपल चुपल चुपल खुशी हो गई है। जितनी हमारा बड़ा भांजा जो है वो मिल गया है यार, नंबरदार आपका कलाम, बहुत तो खुशी की बात है। आप पहले से नहीं जानते हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, नहीं जानते, सब ठीक ठाक है, दुआएं हैं, अल्लाह पाक की रहमत है। मुंशी क्या हाल चाल रहे हैं? ठीक ठाक, कैसे भूले, कैसे हमें हम याद आए और किस तरह आप यहाँ पे आ गए? मैं जब घर आया ना उड़े ही रह गया, पहले जो हम जरा चाह गया इलाज शिलाज किते सी, बिल्कुल सेट शेट किते सी, ते वाला 12 साल बाद मैं जरे घर वल्या ते वो पहचान थी है, 12 साल बाद घर वल्या। नहीं अम्मा आपकी सुनान ली थी, आपके भाई ने सुनान लिया था आपको? अम्मा तो सुनान की दस, अब भाई सुनान की दसी, उनके तो जिगर होना बड़े बड़े सारे हो जाए पोत्र वाला है, मेरे को बड़ी खुशी थी अब ते वाल मैं तुम्हारा ना पूछे नहीं मामू हम यहाँ भैया किधर गए, किधर गए अपने ग्राह को डॉक्टर साहब ने उन्हें किसी होता दो दो साल बाद फिर रूलान को बात गेन पे तो बड़ी चैलेंज खानपुर लाने के मैं के यार मिलना का चाहिए है मैं चक्कर लाना उन्हें के लैसू चक्कर फिर आप मुआवसा दो चक्कर में इतना चक्कर लगाते 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 अब 12 साल आने लगा तो गुजार दिए फिर काम पर इधर उधर कहीं मांदा थे आना वाला आया कहीं 2010 में सैलाब आया उससे तुम तो अगले बंदे के पास कितना असर है? अगले बंदे के पास मैं रहा आगे तकरीबन 8 साल 18 तो 3-4 साल हुए घर वापस आए, 3-4 साल हुए वाला मैं आया मैं कि यार मान रहे चक्कर लगा उन्हें मैं जब कहने जैसा घर कितना बैठे तेरे को पता होगी तू बंदे में नहीं
उमा खला वैसा चक्कर भाई चक्कर दे 4 साल गुजर गए सही है 22 लाख चुका है यार 22 लाख गया 18 की गाल 2010 का सिला फिर 12 साल मतलब यहां तक आने में आपको 12 साल 12 साल लगे मैं केवल चक्कर ही ले आवाते है कि नई खुशखबरी इमा में होने को दी वाह खुशखबरी वाह नहीं वाह खुशखबरी सुना यार पहले खुशखबरी है दूजी शादी दा तो पूरी दे बनाया दूसरी कर रहे हो दूसरी तकरीबन 2 साल बाद उसकी शादी हो गई मेरी शादी भी जिंदा है जिंदा है घर है जिंदा है यार दूसरी शादी कैसे औलाद कहनी हकीकत हाल तो सुनो तवज्जो नाल खैर है अच्छा सुना सुना वो पहली शादी सही जरा ना औलाद कहना है पहले हम मल रहे थे मेरी फौजी किसी तरह में दस ना यार तू सब सुनो ता तू जो दूजी शादी ये तो बहु अफसोस दी गाल है ना ये तो परेशानी दी गाल है ना जी हां दूजी शादी पहले पता है इतना का इशू चलता है दूजी शादी दा जरा हिसाब टूट वाला दूजी शादी है जैन सारा घूमया खड़े पहले तुम्हारी गाल है ठीक है उनमें ऐसा ही चीज के खिलाफ हो ना के किसी और दूसरी के ऊपर जुल्म ना हो बीवी जिंदा हो बच्चे भी हों फिर वो दूसरी शादी की बंदा जिद करे तो उसको फायर मार लेनी चाहिए पहले जो तुमने आके फिर दूसरी शादी छेड़ दी पहले जिंदा नहीं अच्छा उसको क्या हुआ था उसको दिमाग का कोई टेंशन हो गया उसे ही रग फट गई ना दिमाग वाले मुजफ्फरगढ़ नहीं थे मुजफ्फरगढ़ मुल्तान नहीं थे ये तो बहुत अफसोस की बात है ना बहुत अफसोस हो रहा है उसका तो मालिक की मर्जी के आगे बंदा कुछ नहीं कर सकता तो अब जो है वैसे दूसरी शादी है लेकिन पहले भी आप गुजर चुकी है दूसरी शादी आपको करनी है तो हक बनता है करें वो इंशाल्लाह कब हो रही है ये बड़ी तो बात चलो सही है फिर हम आपके लिए और आपके होने वाले टाइम वगैरह करेंगे इंशाल्लाह ताला ईद के बाद इंशाल्लाह टाइम ना मैं के इतला ही दिखे हूँ तो घर वगैरह दिखे हूँ बोला था आना जाना रहा थी आखिर वाला आई आना जाना रहा आपकी शादी भी होगी आप शादी करके फिर हमारे पास चक्कर लगाएंगे शादी तो जरूर पहले महीना पहले हो सकता है इतने वास्ते महीना पहले वो आपकी मामी पे चलेगा हाँ मामी हाँ हाँ सही अच्छी बात है ना हमें बहुत महीना पहले आओगे शायद ईद को बाद तकरीबन महीना बाद है ना इंशाल्लाह डॉक्टर साहब जाएंगे जाएंगे उसका दिल मत तोड़ो उसको बहुत परेशानी है ना ईद तो खाने देंगे हमें अपने घर पे ईद अपने घर खाओ ईद खाते बाद जाना वीडियो बाद ये बच्चा हमारा बचपन से मुंशी रहा है ना छोटी सिस्टर थी वो तो बड़ी हो गई उसकी शादी की है हाँ उन्हें तो गणेश की शादी अच्छा जी हाँ ईद तो बाद फौरन तकरीबन चौथी पंजी दीवार मेहंदी है शादी वाला महीना महीने डेढ़ बाद बड़ा तेरी 20 दिन बाद नामे दिन बाद ईद तो बाद होनी शादी इकट्ठी कर लेनी थी 20 दिन बाद शादी आप शादी कर लेनी थी रुकते उधर कोई होने ना मामला थोड़ा बहुत टाइम चाहिए ना बोला ये नहीं भाई की है ना दूजे बिरा दे शादी ना लेना दूसरा दे करना चाहते हैं तो जो आपके छोटे हैं उनकी भी शादी है हाँ यार तुम बहुत छोटे थे उस वक्त जब हम इधर निकल आए फिर जो छोटे थे फिर एग्जैक्ट कभी कभी चक्कर लगाता है सुल्तान तो हम ज़्यादा उधर चक्कर नहीं लगाते टेस्ट करेंगे अभी नहीं
वहाँ पर देखे डॉक्टर सुल्तान जो है ना वो असलम खान व्लॉग के साथ बैठा है, खाना खा रहा है और साथ में वीडियो भी बना रहे हैं। आपको ना कैमरे की आंख देख रही है, हम कौन सा कुछ कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, आपने खाना तो आ जाए, इसलिए तो कैमरे की आंख देख रही है ना, अकेले 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 खाना खा रहे हैं, दिखा भी दे कि हम क्या खा रहे हैं। हाँ मेरे बहन भाई बोलेंगे ये झूठ बोल रही है, खाना तो इसके पास है नहीं, ये देखें बहुत सारी चीजें हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, पानी ठंडा और ये रोटी और ये हलीम दाल और ये वो क्या बोलते हैं भिंडियाँ चावल हैं माशाल्लाह, इसके साथ चम्मच भी, इसमें रसगुल्ले थे वो कहाँ चले, रसगुल्ले बच्चों ने, बिल्ली ने खा लिए, बिल्ली वो देखे साथ खड़ी है, बिल्ली आप तो साहिबा मैं बुला रही हूँ ना बिल्ली, मुझे भी ऐसे लग रहा है किसी ने उठा लिया। हाँ जब ये लेके आ रही थी ना तब ये चुन चुन के खा रही थी, मेरे पास वीडियो मौजूद है, मैं यहाँ के कैमरा लेके चल रहा था ना, ये पीछे पीछे आ रही थी तो मैंने देखा ये चुन चुन के खा रही थी रसगुल्ले सारे, ये खा रही, एक डब्बा मंगवाएगी ये थोड़ा, इसके ऊपर जुर्माना लगा दो ना, जुर्माना लगा दो, एक के बराबर दो पाँच मंगवा के, हाँ पैसे आप देंगे ले आएंगे, हाँ ये देखो पैसे नहीं, पाँच डब्बे क्या दस डब्बे ले आऊंगी, पैसे दे देना आप, चलो खाना खाओ, अब आपने खाना बिस्मिल्लाह करो, बाय बाय बाय, ना आप खा रही है ना मैडम साहबा खा रही है, हाँ आप तो खा लो ना, ठंडा हो रहा है, जो बहन भाई तो कोई भी आ जाए खा रहे, जब तक वो पहुँचेंगे आप तो खत्म कर लेंगे, और नहीं पकाएंगे खाएंगे, हमारे साथ कोई नहीं खाएगा, हम अकेले ही खाएंगे, ठीक है चलो खा लो, दुआ करें इसके भाई की दूसरी शादी हो जाए, हाँ साथ में इसकी भी हो जाए, ठीक है ना, मैंने पहले बताया है, बता दिया, ठीक हो गया, तो बहुत खुशी हुई, और जो सदमा आपने सुनाया, एक सदमा ये था कि तुम गुम हो गए थे, दूसरा सदमा ये आपने बताया मिल गए, वो खुशी हुई, उसके बाद दूसरा सदमा बताया भी शादी भी की थी उसकी डेथ हो गई है पहली बीवी की, तो आप दूसरी शादी कर रहे हैं, पहली बीवी की डेथ हुई उसका अफसोस करते हैं, और जो आप शादी कर रहे हैं उसकी मुबारकबाद एडवांस देते हैं, और हम शादी पर आएँगे और धूमधाम से आएँगे और धूमधाम से आपकी जो है हम शादी करेंगे, ठीक है, दुनिया देखेगी कि आमिर खान मुंशी अपने की शादी किस तरह कराई है, इंशाल्लाह, तो बहुत खुशी की बात है, तो देखने वाले बहन भाई, तमाम बहन भाई आपने देख लिया होगा कि ये हमारा बड़ी बहन का बड़ा बड़ा बेटा है, बड़ी बड़ी बहन का बड़ा बेटा है, इसकी शादी भी हुई लेकिन उसकी बीवी की जो पहली बीवी थी उसकी शहरान पट्टी की मौत बहुत हो गई, उसके बाद जो आए हैं अभी काफ़ी अच्छे बात तो कह रहे हैं कि मेरी फिर से खुशी जो है शादी की, आपको खुशखबरी सुनाने आए हूँ, आपको गार्ड देने आए हूँ, पीछे आपको बुलाने के लिए आए हो कि आप फलां तारीख से महीना पहले आपने पहले आना है, जश्न मनाना है, इंतजाम साहब आपने करवाने हैं, तो फिर हम इंशाल्लाह मेरे आपके पास ज़रूर आएंगे और आपकी शादी करवाएंगे इंशाल्लाह, तो तमाम बहन भाई खुश रहें, आबाद रहें, हमारी दुआ है, तो पहले जो इसके साथ गलत फहमी हुई है उसकी माता जनाब, क्योंकि हमने पहचाना नहीं और आप जो है दो दबरी अंदर दाखिल हुए, इसलिए ये कानून के खिलाफ इखलाकियात के खिलाफ खिलाफ हो गया, इसलिए परेशान मत होना, दिल पे मत लेना, तो बाकी अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह ताला, फिर आपकी मामी आपकी हमारी टोटल फैमिली, क्योंकि इंतजामिया हम हैं, बड़े हम हैं, ठीक है, इससे बात महीना पहले तो इंशाल्लाह महीना पहले आएंगे, मामी जी मैं इतना पहले महीना देता है, महीना पहले आता है, बिल्कुल अच्छी बात है ना, ठीक है बिल्कुल महीना पहले आएंगे, नो टेंशन, लेकिन शादी तुम्हारे नाल है ना शादी, तो ये वीडियो जो बहन भाई देख रहे हैं ना बड़े बहुत खुश हो रहे हैं कि यार किस तरह का इसका मिलाप हुआ है, माशाल्लाह बड़ी खुश हुई और वो भी खुश हो रहे हैं, हाँ वो कमेंट में जरूर बताएंगे इंशाल्लाह ताला, तो वो बहन भाई भी आपकी शादी देखने के लिए बेताब रहेंगे, तो वो उनकी आपकी शादी जो है उनको दिखाएंगे किस तरह, इंशाल्लाह जब आपके यहाँ आएंगे ना आपकी शादी का पूरा फंक्शन अपने डिटेल्स ना अपने भाई बहन और भाई के साथ शेयर करेंगे, तो उसको भी आपकी शादी दिखाएंगे, कैसी है आपकी शादी, ठीक हो गया, ठीक हो गया।